नमस्कार छात्रों, मैं घासीराम रेगर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। मैं ER 306 एस्टिमेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन जो चैप्टर है का सिलेबस का थर्ड चैप्टर जो है स्पेसिफिकेशन, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई चीज की स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है, स्पेसिफिकेशन को हिंदी बोलते हैं विशिष्टियां, यानी आप लोगों को पूरी बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है, बिल्डिंग की जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में पढ़ना है। तो बिल्डिंग में क्या मटेरियल काम लिया जाएगा, उसका क्या रेशो होगा, उसको काम करने का क्या तरीका होगा, ये सब विशिष्टियां में आता है, स्पेसिफिकेशन आता है। तो विशिष्टियां जो है वो हर चीज के बारे में, बिल्डिंग के हर आइटम के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है उसका, कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, आइटम क्या होगा और उसका क्या रेश होगा और उसको किस तरह से काम करना है। अगर मान लीजिए आप लोग अगर कोई बिल्डिंग का काम करोगे यहां से डिप्लोमा करने के बाद में, और स्पेसिफिकेशन आपने पूरी पढ़ रखी है, तो आप बिल्कुल वैसे वैसे काम करोगे जैसे आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर इंजीनियर काम करा था, उस तरह से कि कोई काम कैसे होगा। एक स्पेसिफिकेशन जो होती है ये हमेशा, देखिए मैं एक आपको सरल सा एग्जाम्पल बताऊं। मान लीजिए एक अपन एक शर्ट सिलाते हैं, 2 मीटर कपड़ा लगता है, आपने 2 मीटर का कपड़ा लेकर के और शर्ट सिलाई, उस शर्ट के मार्केट में आपने परचेज करने के उसका 2000 रुपये लगे शर्ट के। इसमें एक वो कि वो 2 मीटर कपड़े की और उसी कपड़ा जो है वैसे ही कपड़े की शर्ट है वो मिलती है आपको 1500 रुपये में। अब 1500 रुपये की चीज है, मेटेरियल वही है और मेटेरियल एग्जिस्ट है परंतु रेट में फर्क है। इसका मतलब यह होता है कि जो उसका काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। आपने कपड़ा लेकर के टेलर से सिलाई एक शर्ट और एक शर्ट आप रेडीमेड ला रहे हो, क्योंकि रेडीमेड जो शर्ट है उसकी स्टिचिंग अच्छी होगी, उसका मटेरियल अच्छा होगा, उसके बटन अच्छे होंगे, सब चीज अच्छी होंगी, इसलिए उसकी रेट ज्यादा होगी। और जो हम टेलर से चलाते हैं उसकी उस तरह की फिटिंग नहीं बैठती है जिस तरह की रेडीमेड लाते हैं। इसी प्रकार हम बिल्डिंग में भी ये होता है कि बिल्डिंग में मान लो सेम मटेरियल का अगर हम काम ले रहे हैं लेकिन उसको अगर वर्कमैनशिप पुअर है, उससे एग्जीक्यूशन पुअर है, तो उसकी जो कॉस्ट में वेरिएशन होगा। तो देखिए स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज और डिस्क्राइब द नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क, मटेरियल टू बी यूज्ड इन द वर्क, वर्कमैनशिप एटसेट्रा एंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। किसी कार्य की लागत उसकी विशिष्टियों पर निर्भर करती है। विशिष्टियां यानी स्पेसिफिकेशन पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए। विशिष्टियां पढ़ने के बाद में कार्य के बारे में पूर्णतया स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। विशिष्टियां पढ़ने के बाद में कार्य के बारे में पूर्णतया मतलब पूरी उसकी डिटेल नॉलेज हो जाती है कि कार्य किस तरह से हमें करवाना है, काम में क्या क्या चीज मेटेरियल काम लेना है, क्या उसका रेश होगा। विशिष्टियां पढ़ने के बाद में कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी हो जानी चाहिए कि कार्य किस प्रकार होगा, कार्य की ड्राइंग में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ड्राइंग संरचना से भवन के बारे में तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के बारे में जानकारी हो जाती है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। ड्राइंग में काम के लिए जाने वाली सामग्री, ड्राइंग से काम ली जाने वाली सामग्री, कार्य करने का प्रकार तथा सामग्री के अनुपात के बारे में जानकारी नहीं होती है। विशिष्टियों में इनके बारे में सामग्री के अनुपात के बारे में जानकारी होती है। विशिष्टियों में इस मटेरियल के बारे में स्पष्ट उल्लेख होता है। भवन की ड्राइंग व विशिष्टियां कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का महत्वपूर्ण भाग होती है। यानी कोई भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को, किसी एजेंसी को, तो जो स्पेसिफिकेशन होती है उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल दी होती है कि कार्य क्या होगा और किस तरह से करना है उसको, और उसका कंटेंट में क्या क्या होगा, रिस्क क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। विशेषण लिखते समय यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित भवन की सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट व संक्षिप्त में हो तथा उनका बार बार दोहराव रिपीटेशन नहीं हो। विशिष्टियों को लिखते समय उनको उसी क्रम में लिखा जाना चाहिए जिस क्रम में कार्य एग्जीक्यूट होता है। विशिष्टियों लिखते समय भाषा का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि कार्य इस प्रकार होगा, ये बार बार वर्ड आएगा होगा, सेल बी या शुड बी ये वर्ड आएगा, अतः बार बार सेल बी या शुड बी का उपयोग किया जाना चाहिए। विशिष्टियां जो होती है वो
अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और उसका काम फाउंडेशन से स्टार्ट होता है तो बिल्कुल वैसे वैसे होगा, पहले फाउंडेशन होगा, फिर जो स्टोन वर्क या ब्रिक मेसन इन फाउंडेशन वो होगा, फिर डीपीसी होगा, फिर सुपर स्टिक्स होगा, फिर आरसीसी होगा, रूफ का होगा, फ्लोरिंग का होगा। इस तरह से जैसे बिल्डिंग जो बनती जाती है विशिष्टों का क्रम भी उसी प्रकार होता है। ये तो स्पेसिफिकेशन दो प्रकार की होती है, ये तो जनरल स्पेसिफिकेशन और इसको ब्रीफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, साधारण या संक्षिप्त विशिष्टियां, और दूसरी जो होती है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होती है विशिष्टियां। जनरल स्पेसिफिकेशन साधारण विशिष्टियां बोलते हैं इसको। साधारण विशिष्टियां कार्य की प्रकृति एवं स्तर तथा उपयोग में लिए जाने वाली सामग्री के बारे में साधारण अथवा प्रचलित शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें न्यू से लेकर के सुपर स्टिक तक संक्षेप में उल्लेख होता है। भवन के विभिन्न भागों में काम लिए जाने वाली सामग्री तथा उसके अनुपात के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है। जनरल स्पेसिफिकेशन प्रस्तावित भवन के सभी कार्यों के बारे में साधारण जानकारी होती है तथा ही भवन का एस्टिमेट बनने के लिए उपयोग में ली जाती है। जनरल स्पेसिफिकेशन के अंदर डिटेल में नहीं होती है, केवल संक्षिप्त जानकारी होती है, और ये जब बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाते हैं उसके अंदर इसको काम ली जाती है। इसी प्रकार जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होती है इसको हिंदी में विस्तृत विशिष्टियां बोलते हैं। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन किसी निर्माण कार्य की गुणवत्ता व सामग्री की मात्रा, मसाले का अनुपात, प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टर, कार्य करने की गुणवत्ता, वर्कमैनशिप, मसाला तैयार करने की विधि, कार्य करने का तरीका व किए गए कार्य का माप, मेजरमेंट लेने की विधि आदि का विस्तृत वर्णन होता है। निर्माण कार्य के प्रत्येक आइटम को करने का तरीका विस्तृत जानकारी के साथ तथा वह कार्य किस प्रकार होगा कि पूर्ण विवरण विस्तृत विशिष्टों में होता है। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन स्पष्ट व बार बार दोहराव रिपीटेशन नहीं होता है, इनको जिस क्रम में कार्य किया जाता है उसी क्रम में लिखा जाता है। विस्तृत विशिष्टों को पूर्णतया पढ़कर यदि कार्य कराया जाए तो किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। प्रत्येक इंजीनियरिंग विभाग में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन प्रिंटेड बुक के रूप में होती है, जो कि समय समय पर आवश्यकता होने पर रेफर किया जा सकता है। अब कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन की अब दे रखे हैं इसको, जनरल स्पेसिफिकेशन देखिए, जनरल स्पेसिफिकेशन राइटिंग किस तरह से लिखते हैं। फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए आपको लिखना है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के पहले फाउंडेशन एंड प्लिंथ के बारे में लिखनी है। जनरल स्पेसिफिकेशन फाउंडेशन एंड प्लिंथ सेल बी ओ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टर और 1:6 सीमेंट मोर्टर ओवर द लाइम कॉन्क्रीट और 1:4 सीमेंट कॉन्क्रीट। यानी बस फाउंडेशन के बारे में इतनी जानकारी होगी कि फाउंडेशन या प्लिंथ जो होगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का होगा, या तो लाइम मोर्टर होगा और या 1:6 सीमेंट मोर्टर में होगा, 1:6 की सीमेंट मोर्टर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, और इसके नीचे लाइम कॉन्क्रीट होगी या 1:8 सीमेंट कॉन्क्रीट होगी। ये इसका फाउंडेशन और प्लिंथ का है। नेक्स्ट है डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी। डीपीसी के बारे में जनरल स्पीकिंग ये होती है, डीपीसी सेल बी 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 मिक्स्ड विद 1 kg ऑफ इम्परमो पर बैग ऑफ सीमेंट और अदर स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स एज स्पेसिफाइड एंड पेंटेड विद 2 coats ऑफ बिटुमिन। डीपीसी के बारे में इस तरह की इतनी जानकारी, संक्षिप्त होगी जानकारी। इसी प्रकार सुपर स्ट्रक्चर में होगी, सुपर स्ट्रक्चर सेल बी ओ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद लाइम मोर्टर और 1:6 सीमेंट मोर्टर लिंटल्स ओवर डोर्स एंड विंडोज सेल बी ऑफ आरसीसी। इसी प्रकार फ्लोरिंग के बारे में होगी, फ्लोरिंग यानी फर्श का कार्य, ड्राइंग रूम व डाइनिंग रूम की फर्श मोजेक, बाथरूम एवं डब्ल्यूसी की फर्श मोजेक ही होगी, बेडरूम की फर्श 7.5 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट की कलर्ड पॉलिश की होगी, डोर एंड विंडोज वाले दरवाजे एवं खिड़कियां सागवान की लकड़ी की होगी। इस प्रकार जनरल स्पेसिफिकेशन की ये एग्जांपल है। ये किसी के बारे में पूछ सकते हैं, जो बिल्डिंग के जो जो आइटम होते हैं इसके बारे में जनरल स्पेसिफिकेशन पूछी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।